आपको कहीं नहीं देखा, सिर्फ मैम से बात करनी है, मैम के सवालों के जवाब देना है। पूछे रिकॉर्ड वेट 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 करते हैं स्टार्ट। हाँ करो। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं और मैम सागर रूप से आ गई हैं? एक मिनट मैम को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। ठीक है आराम से बोलिए। आपका आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मैम सागर रूप से आई हूँ। मेरा नाम कीर्ति वर्मा है। अच्छा कीर्ति वर्मा, आपके घर में कौन कौन है? मैम सास सूरज जी की ठाने। अच्छा आपको बेटा हुआ है? बेटी मैम बेटा बेटा। अच्छा ठीक, आप पहली बार गर्भवती थे? यस मैम। अच्छा फिर ये बताओ कि इस योजना के बारे में आपको किसने बताया और कब बताया? मैम इस योजना के बारे में हमें आंगनबाड़ी वाली मैम ने बताया कि प्रधानमंत्री ने। कोई नहीं बोली, दोबारा पूछती हूँ। मैं दोबारा पूछती हूँ, गर्भवती महिला मैं दोबारा पूछती हूँ। कैसे पता चला? कहती आपको इस योजना के बारे में कैसे पता चला? मैम इस योजना के बारे में आंगनबाड़ी वाले मैम ने हमें बताया कि अगर आप गर्भवती हैं तो आप आके फार्म भरो, और उन्होंने ये सलाह दी कि आप डॉक्टर के पास जाओ और वहाँ पे टीकाकरण करवाओ, टेस्ट वगैरह कराओ, और आर्यन की गोल जो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए लाभदायक है। अच्छा इस योजना से आपको और क्या क्या फ़ायदा हुआ है? इस योजना के अंतर्गत क्या बोला आपको कि आपको क्या मिलेगा ये बताइए। पूछिए मैम। इस योजना के अंतर्गत आपको क्या क्या फ़ायदा होगा, आपको क्या बताया गया आपके आंगनबाड़ी वर्कर के द्वारा? इस योजना के हमें पहले पता नहीं था कि हमारा पहले आधार कार्ड नहीं बना हुआ था, अब हमारा आधार कार्ड बन गया जिससे कि हमारे अकाउंट में पैसे आते रहते हैं। पहले ये फ्रॉड था, पहले ना पैसे नहीं आते थे। अच्छा इस योजना के तहत मेरा अकाउंट भी खुला है और मेरा आधार भी बना है जिससे कि मेरे को एक नई पहचान भी मिली है। ये की इस योजना के अंतर्गत इनको क्या दिया जा रहा है? हाँ एक तो 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, और मुझे सलाह दी जाती है आंगनबाड़ी सेंटर में, ठीक है, मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं। नहीं इसमें मैम वो तो दूसरी, अब तो आंगनबाड़ी वर्कर का अलग हिसाब किताब है ना। अच्छा दैट इज अंडर पोषण अभियान एंड नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। नो 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 दैट इज पार्ट ऑफ दिस स्कीम एज वेल एज दैट यू हैव टू कम टू आंगनबाड़ी सेंटर। हां इट इज इंटरलेटेड, तीन बार उनको आना पड़ता है एएनसी के बाद में काउंसलिंग के लिए आंगनबाड़ी सेंटर पर। इट इज अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम। इसमें हम उसको ये बोलिए पूछेंगे कि जो पैसा मिल रहा है ये अमाउंट में ना होता है एक तो ये, और डायरेक्टली इनको मिल रहा है अकाउंट में, डायरेक्टली इनके अकाउंट में आ रहा है सरकार से। ये मैं बोल रहा हूँ 5,000 रुपये मिले, ठीक है ना। मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपको क्या पैसा मिल गया है? आप बोलो हाँ, और वो पैसा डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आया है DBT के द्वारा, ठीक है। ओके रोलिंग। कीर्ति आपको पैसा मिल गया है इस स्कीम का? यस मैम। अच्छा ये मेरे अकाउंट में आएगा। अच्छा तो आपने क्या करा उस पैसे का? मैम थोड़ा बहुत खर्च कर लिया, थोड़ा बहुत रख लिया, पेंशन ये भी जमा है। अच्छा इससे पहले आपका बैंक अकाउंट पर और आधार था? नहीं मैम इससे पहले नहीं था। अच्छा मैम इससे यही पूछे सिर्फ कि इस योजना के अंतर्गत आपको क्या मिला, आपको बोलेंगी इस योजना में हमें पैसे मिले हैं और वो पैसे सीधा हमारे अकाउंट में आएगा। थोड़ा लंबा सा बोलना है, बना लंबा था आपको ये बोलना है इस योजना के इस योजना के द्वारा हमें पैसे मिले हैं शिशु के लिए और मेरे लिए, मेरे शिशु के लिए और मेरे लिए, और वो पैसा सीधा हमारे अकाउंट में आया है। ओके पूरा एक साथ बोलना है, मैं पूछेंगी फिर आप बोलना। फिर तरह पूछिए कि योजना में क्या मिला, आपको इस योजना में क्या लाभ हुआ? इस योजना से जो पैसे आए हैं उससे मुझे और मेरे बच्चे को फायदा ही फायदा हो रहा है, जैसे कि कोई नहीं दोबारा बोल दीजिए, इस योजना में हमें पैसा मिला है, वो पैसा सीधा हमारे अकाउंट में आया है। पूछ लीजिए। इस योजना से आपको क्या लाभ मिला है? बस एक मिनट का बात है। ठीक है
रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ एक मिनट।